नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों को मिली 173 बड़ी खुशखबरी। जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते पर मिली जबरदस्त सौगात। फरवरी मार्च अप्रैल महीने के AICPI आंकड़े एक साथ जारी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि 3 महीने के जो AICPI के आंकड़े सरकार ने एक साथ जारी कर दिए हैं, तो कर्मचारियों को कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का तोहफा मिला है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हटा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते को लेकर खुशखबरी आ चुकी है। आखिरकार जुलाई 2024 से कुल कितना महंगाई भत्ता होगा, इसका आंकड़ा सामने आ गया है। आपको बता दें कि अभी महंगाई भत्ता 50% है, ऐसे में जुलाई 2024 से कितना महंगाई भत्ता मिलेगा, आखिरकार इसके आंकड़े सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा वो AICPI के आंकड़ों के पर ही निर्भर करता है, लेकिन लगातार 3 महीने से AICPI के आंकड़े जारी नहीं किए गए थे, जिससे जुलाई 2024 से कुल कितना महंगाई भत्ता मिलेगा यह समझ में नहीं आ रहा था। अब ऐसे में आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है, 3 महीनों के AICPI के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा वो AICPI के आंकड़ों पर ही निर्भर करता है, लेकिन 3 महीने से ये जारी न होने के कारण कर्मचारी और पेंशनभोगी चिंता में दिखाई दे रहे थे। इस बीच कयास लगा जा रहा था कि आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए आंकड़े जारी नहीं किए गए। वहीं पर कुछ लोगों का मानना था कि जुलाई से महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज किया जाएगा, इसीलिए आंकड़े जारी नहीं किए गए। वहीं पर कुछ लोगों का मानना था कि कर्मचारी चुनाव में व्यस्त है, इसलिए आंकड़े जारी नहीं किए गए। दोस्तों, आखिरकार कर्मचारी और पेंशनभोगियों की चिंताओं पर विराम लगते हुए लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला की तरफ से फरवरी मार्च अप्रैल महीने के AICPI आंकड़े जारी कर दिए गए। इन आंकड़ों में गिरावट और उछाल देखने को मिला। दोस्तों, इन आंकड़ों के हिसाब से जुलाई 2024 में कुल कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा हम आपको बताते हैं। दोस्तों, फरवरी महीने का AICPI के आंकड़ों में 0.3 अंक का उछाल देखने को मिला। उसी प्रकार फरवरी महीने में AICPI का आंकड़ा 139.2 काउंट किया गया, उस पर मार्च महीने के AICPI आंकड़ों में 0.3 अंक की गिरावट देखने को मिली। इसी प्रकार AICPI का आंकड़ा 138.9 काउंट किया गया, वहीं पे अप्रैल महीने का आंकड़ा 0.5 अंक की बढ़ोतरी पर देखा और मार्च महीने में 139.4 काउंट कर दिया गया। AICPI के इन 4 महीने के आंकड़ों को DA की टेबल के साथ काउंट करने पर महंगाई भत्ता 52.43 हो चुका है, यानी कि अभी 53 पर नहीं पहुंचा है। दोस्तों, फरवरी मार्च अप्रैल महीने के आंकड़ों के बाद अब इंतजार मई और जून के आंकड़ों का है, क्योंकि कुल 6 महीने के आंकड़ों को मिलाकर DA की गणना की जाती है। अगर इन आंकड़ों में उछाल देखने को मिलता है तो कुल महंगाई भत्ता 54% होगा। अगर इसमें गिरावट देखने को मिली तो महंगाई भत्ता 53% होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर इसी तरह आंकड़े बढ़ते रहे तो जुलाई में महंगाई भत्ता 53.34% होने वाला है, क्योंकि दशमलव के बाद वाला अंक नहीं गिना जाएगा, इसलिए जुलाई से महंगाई भत्ता 3% होता दिखाई दे रहा है। कुल महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% होने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।